अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ बिलाल फ्रॉम सुपर फोटोज़ डॉट पी के। आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो कि ट्रॉली बैकपैक के नाम से जाना जाता है। हम आपको इसका छोटा सा अनबॉक्सिंग रिव्यू दिखाते हैं कि कैसे इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाएगा और आप किस तरह से क्या क्या एक्सेसरीज इसके अंदर अपनी रख सकते हैं। जैसे कि नंबर वन पे हम आए तो इसका यहाँ पे आपको एक मिल रहा है ट्राइपॉड की हैंगिंग के ऑप्शन। आप यहाँ पे अपनी ट्राइपॉड की जो लेग्स हैं वो आप एक यहाँ पे ऐसे इसके अंदर लगा लें और ट्राइपॉड को यहाँ से दो साइड से, एक ये साइड और एक ये साइड, ट्राइपॉड को इस तरह से आप ग्रिप कर लें तो ट्राइपॉड आपका इस तरह से इसमें हैंग हो जाएगा। और एक इसकी ये छोटी पॉकेट है फ्रंट साइड पर, इसको देखें तो यहाँ पर आपको पॉकेट में क्या क्या ऑप्शन मिल रही हैं। आप इसमें अपना मेमोरी कार्ड, आप अपना आईपैड और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जो भी आप इसमें रखना चाहें, एडजस्ट करना चाहें। इसकी साइड पे आते हैं तो साइड इस पर साइड पे भी आपको एक पॉकेट दी जा रही है जो कि आप अपने अगेन डॉक्यूमेंट या किसी भी प्रोडक्ट के लिए कोई भी चीज़ रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड पे हैं तो बैक साइड पे आपको ये इसके मिल रहे हैं जो स्ट्रैप्स हैं बैकपैक के, हैंगिंग करने के लिए ऑप्शन मिल रही है आपको। प्लस आप इसको उतार के साइड पे भी रख सकते हैं। हम आपको इसको दिखाते हैं किस तरह से आप इसको साइड पे रख सकते हैं उतार के। पीछे इसकी साइड पे आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें, ठीक है। इस तरह से आप इसको एक स्ट्रैप को एडजस्ट करें और दूसरी स्ट्रैप को भी इसी तरह ही आप एडजस्ट कर लें। ये आप क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आपने इसको ट्रॉली बैकपैक बनाना है, व्हील यूज़ करने इसके, तो आप इसको इसके अंदर सारी स्ट्रैप्स को इसके अंदर रख लें और आप इसको एज अ ट्रॉली बैकपैक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसके व्हील दिए गए हैं, आपको व्हील की ऑप्शन मिल रही है इसमें। और अगर आप ऊपर से देखें तो यहाँ पर आपको इसकी एक ऑप्शन मिल रही है जो कि ट्रॉली की ऑप्शन है। आप यहाँ से इसको निकाल दें इस तरह से करके, ये आप ट्रॉली की ऑप्शन ऐसे निकाल लें और आप देख लें कि ये आप इसको जितना भी आप इसको लेके जाना चाहें अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप वापस बंद कर दें और चलते हैं अब इसके मेन पोर्शन की तरफ। मेन पोर्शन इसका है जी कैमरे का पोर्शन। यहाँ पे आप इसमें कैमरा, लेंजेस, लैपटॉप कुछ भी आप इसके अंदर अपना एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये आपके पास 13 इंच से 15 इंच का लैपटॉप की ऑप्शन आपको इसमें मिल रही है पॉकेट। और यहाँ पे आप अपना कैमरा पार्टीशन अपनी मर्जी से आप अपना कैमरे की एडजस्टमेंट कर सकते हैं सारी। और अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको एज अ कैमरा बैकपैक यूज़ नहीं करना तो आप इसको एज अ ट्रैवल बैकपैक के तौर पे भी, ट्रैवल लगेज के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये इसका है जो कि पोर्शन है कैमरे का, वो बाहर आ गया है और ये अब आपका ट्रैवल लगेज बैकपैक बन गया है, ठीक है। इसके अंदर आप अपना जो भी स्टफ़, क्लोथ्स वगैरह कुछ भी रखना चाहें रखें। इसको आप यहाँ से ऐसे बंद करें और आप उसको उसी तरह से इसको अपना ट्रैवल लगेज बैकपैक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, इसकी एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसका जो है जो साइज़ है, जब आप बाहर सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको साइज़ जो है ये कैबिन साइज़ मिल रहा है, जो कि आप बाय हैंड भी इसको कैरी कर सकते हैं। अपने कैबिन साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसको कैरी कर सकते हैं, मतलब आपको पीछे अपने जो लगेज बुक कराते हैं कार्गो में वो आपको नहीं कराना पड़ेगा, हैंड कैरी भी आप कर सकते हैं। क्योंकि आपने अगर इसमें कैमरा रखा हुआ है तो कैमरा जो है वो आपका आपके साथ होना चाहिए, लगेज में जाएगा तो वो टूट सकता है, उसको सही तरह से हैंडलिंग नहीं हो सकती, तो आप इसको हैंड कैरी भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें दो वेरिएंट्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। एक ये वेरिएंट है इसका जो कि एक ये स्टैंडर्ड साइज़ के अंदर आता है, और एक इसका और साइज़ है जो कि बिग साइज़, जो कि हम इसको बिग साइज़ भी कहेंगे, मॉन्स्टर साइज़ भी कहेंगे। क्योंकि अगर किसी के पास ज़्यादा इक्विपमेंट है वो आप इसको ज़्यादा इक्विपमेंट भी आप इसमें कैरी कर सकते हैं। और सेम वही फीचर्स सारे जो इसमें हैं छोटे बैग में, वही इस बड़े बैग में भी है, सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है। और आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं सुपर फोटोज़ डॉट पी के पे, हमारी शॉप विज़िट कर सकते हैं और फ्री होम डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल, सुपर फोटोज़ डॉट पी के। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।